नमस्कार। तृतीय वर्ष में नव प्रवेशित सभी छात्रों का स्वागत है। तृतीय वर्ष जीव विज्ञान में मैं संजय पुरोहित वनस्पति शास्त्र विषय के YouTube लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। आज उसकी पहली कड़ी में, उस श्रृंखला की पहली कड़ी में मैं आपसे पहले तो तृतीय वर्ष जीव विज्ञान वनस्पति शास्त्र विषय का क्यूरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या है इस पाठ्यक्रम में आपके लिए। कोर्स में आपको पहले दो साल में यह पता चल चुका होगा कि बीएससी में आपके प्रति वर्ष तीन तीन प्रश्न पत्र होते हैं और उसके अलावा उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं तीनों प्रश्न पत्रों की मिलाकर के। तो तृतीय वर्ष वनस्पति शास्त्र में जो आपके तीन पेपर्स हैं वो है, पहला प्लांट फिजियोलॉजी, बड़ा करना पड़ेगा इसको, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा प्रश्न पत्र है प्लांट प्लांट इकोलॉजी, जिसका नाम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी रख रखा है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी यानी कि प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी ये पेपर है। हिंदी भाषा में अगर हम समझना चाहें तो यह पारिस्थितिकी के साथ में फाइटोजियोग्राफी, पादप जैव भूगोल, पादप भूगोल नाम से है, ये पहला पेपर है। दूसरा प्रश्न पत्र हमारा है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, पादप कार्यकी एवं जैव रसायन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और तीसरा पेपर जो कि अप्लाइड एस्पेक्ट का है, वो अभी के समय में प्रेजेंट सिनेरियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बायोटेक्नोलॉजी, जिसे कुछ विश्वविद्यालय ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से लिखा है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, आपने यहां पर लिया है बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी। इसमें मुख्य रूप से हम टिश्यू कल्चर और डीएनए आरएनए सेपरेशन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो ये कुल तीन प्रश्न पत्रों में आपका वनस्पति शास्त्र विषय का तृतीय वर्ष का सिलेबस विभाजित है। उनमें से चूंकि महाविद्यालय में एक ही व्याख्याता हूँ, मैं अकेला सह आचार्य इसमें वनस्पति शास्त्र विषय में कार्य कर रहा हूँ, तो मैं ये सारे पेपर आपके नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे पास सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के भी पेपर्स रहते हैं। तो इनिशियली मैं आपका प्लांट इकोलॉजी आज शुरू करवा देता हूँ, पहले दो पेपर पूरे कराएंगे, उसके बाद में यदि समय रहेगा तो हम थर्ड पेपर को भी टेकअप करेंगे। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं ये कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे समय मिलेगा इसके आपको ई कंटेंट्स अवेलेबल करवा दूंगा, मेरे जो लेक्चर्स तैयार होंगे वो इसमें करवा दूंगा। अभी फिलहाल हम सभी को ई कंटेंट फॉर्म में ले रहे हैं या यूट्यूब फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंटरेक्टिव सेशन शुरू होंगे, हम लोग आपस में क्लासरूम में बैठ के जब बातचीत करना शुरू करेंगे, उस समय आपको ये पहला और दूसरा पेपर भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तब यदि समय मिलेगा तो साथ साथ तृतीय पेपर, थर्ड पेपर बायोटेक्नोलॉजी को भी हम उस समय ले लेंगे साथ में। आज इन तीन पेपर्स में से सबसे पहले मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। जो अपना सिलेबस बांटा है वह उसमें ये जो प्योर ब्रांचेस जो बॉटनी की है उनमें से प्लांट फिजियोलॉजी को थर्ड ईयर में रखा गया। यदि आपको याद हो तो सेकेंड ईयर में आपने प्लांट एनाटॉमी और उससे भी पहले प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ा था, टैक्सोनॉमी के साथ एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे, एनाटॉमी एक पेपर था आपका सेकंड ईयर में, और उसी के साथ में आपने थर्ड पेपर में साइटोलॉजी जो कि प्योर ब्रांच है बॉटनी की वो पढ़ी थी। तो वहाँ आप सारे के सारे तीन प्योर ब्रांचेज को तैयार कर चुके थे, उसके साथ में एम्ब्रियोलॉजी भी था। यहाँ प्योर ब्रांचेज में प्लांट इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो दोनों पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्यकी, यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पौधे द्वारा आंतरिक रूप से किए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वो अंतर क्रियाएं उसमें अंदर कैसी होती है उसको प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बिल्कुल प्रथम और द्वितीय वर्ष की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तरह इसमें भी प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का संपूर्ण प्रश्न पत्र आपका पाँच इकाइयों में बांटा हुआ है, और उन पाँचों इकाइयों में अलग अलग ढंग से आपको सारी जो प्लांट फिजियोलॉजी की मुख्य क्रियाएँ हैं वो पढ़नी होती है। परंतु ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो क्रियाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है,
और वनस्पति विज्ञानी यानी कि बॉटनिस्ट होने के नाते, बॉटनी का स्टूडेंट होने के नाते, मैं तो कहूँगा कि उनमें से भी एक क्रिया ऐसी है जिस पर पृथ्वी पर जो जीवन संभव हुआ है वो टिका हुआ है, और वह क्रिया आती है प्लांट फिजियोलॉजी में, वो है फोटोसिंथेसिस। हम अगले चैप्टर, अगले वीडियो लेक्चर में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी थर्ड ईयर का जो ये सेकंड पेपर है आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जीवन संभव बनाने की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया आपको यहाँ पढ़नी होगी। इसके अलावा एक और दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया जो आपने जूलॉजी प्राणीशास्त्र में भी पढ़ी होगी वो है रेस्पिरेशन, वह भी आपको इसी पेपर में पढ़नी होगी। लेकिन मैं आपको पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस अकेली ऐसी क्रिया है जिसके कारण से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। हिंदी में आप इसे समझते हैं प्रकाश संश्लेषण शब्द से। अगर आप प्रकाश संश्लेषण को हिंदी में संधि विच्छेद करें या फोटोसिंथेसिस को इंग्लिश में भी आप अलग अलग हिस्सों में तोड़े तो इनका सिंपल मीनिंग है प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण, सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये सिंथेसिस और संश्लेषण क्या है? संपूर्ण जीव जगत में मुख्य रूप से ऊर्जा पर आधारित क्रियाएं रहती है। तो सारे के सारे जो सजीव है जैसे हमारे पौधे हैं या जंतु है या माइक्रोब्स हैं सभी ऊर्जा पर आधारित कार्य करते हैं और धरती पर उनको सारे कार्यकलापों के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। यह ऊर्जा का संश्लेषण पौधे फोटोसिंथेसिस नामक क्रिया के अंतर्गत करते हैं। यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन है, आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा कि हम ये स्कूल में हमें ये पढ़ाते आए हैं, पढ़ाया गया है कि ऊर्जा को न तो आप निर्मित कर सकते हैं न तो उसका निर्माण हो सकता है न वो नष्ट की जा सकती है। तो जब ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता और नष्ट नहीं की जा सकती, तीसरी लाइन आपने शायद पढ़ी होगी, नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ, वहाँ उसमें ये साथ में कहा जाता है कि ऊर्जा केवल एक फॉर्म से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है। उस आधार पर मैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बताने के लिए शुरुआत करूंगा। एक तरफ हम लिख रहे हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कि प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण, यह संश्लेषण भोजन का है और वह भोजन जो पौधे मुख्य रूप से लेते हैं वो है सबसे प्राइमरीली ग्लूकोज। तो प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण, यह है प्रकाश संश्लेषण की वास्तविक क्रिया। थोड़ा सा इतर हटे यहां से तो रेस्पिरेशन श्वसन, श्वसन की क्रिया में पौधे उसी ग्लूकोज को जो आपने प्रकाश संश्लेषण में बनाया था उसी ग्लूकोज को तोड़ करके वो अपने जीवन की बाकी सारी क्रियाएं करते हैं। तो पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया है, इस पर मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इस पर पूरा जीवन टिका हुआ है। अब हम आते हैं ऊर्जा की बात पर, एनर्जी की बात पर। मैंने अभी आपको याद दिलाया था कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न उसे नष्ट किया जा सकता है। तो फिर संश्लेषण किसका कर रहे हैं? हम संश्लेषण ग्लूकोज का कर रहे हैं परंतु उसके साथ में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा को जीवों के लिए उपयोगी जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल करके रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ला रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, ऊर्जा को हम बदल रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से इधर। कहाँ से? हमारे लिए अनुपयोगी ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को कहिए आप, उसे हम अपने लिए उपयोगी जैव रासायनिक बायोकेमिकल एनर्जी जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। इस तरह से ऊर्जा को बदलने का एक चीज आपने अभी पिछले कुछ वर्षों में पढ़ी होगी जो बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल की गई है और अब हमारे कॉलेज में भी इवन सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। हमें यह सिखाया गया आप सौर ऊर्जा को, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण में भी आप ले रहे हैं सौर ऊर्जा की तरह से। प्रकाश ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है ना। ऊष्मा ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त गर्मी या ऊष्मा। तो इसी तरह से आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत बनाने के लिए, लाइट बनाने के लिए यानी वो भी ऊर्जा बनाने के लिए आप सोलर पैनल्स लगाते हैं। वो टेक्निक हमने डेवलप की है, सोलर पैनल्स बना करके उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की टेक्निक इंसान ने, मानव ने पैदा की है। अब जरा सा इधर देखिए, आप बात कर रहे हैं बॉटनी की क्लास में पौधों की। ये हमारे पौधे जब से इस धरती पर पौधे डेवलप हुए हैं तभी से उस सूर्य से ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा लेकर के उसे हमारे लिए या सभी जीवों के लिए उपयोगी जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलने की ताकत रखते हैं। तो यह है इस प्रकाश संश्लेषण शब्द की महत्ता।
और इसी पर हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे रुक्मणी सर। ये जो प्रकाश संश्लेषण की महत्ता है कि यह सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा और सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को समस्त जीवों के लिए उपयोगी जैव रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, इसे हमें इस वर्ष विस्तार से पढ़ना होगा और अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।